नमस्कार, मैं अंशिकी जड़िया और एक बार फिर स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड जगत की पांच बड़ी खबरों की जानकारी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार कमल हासन की मोस्ट अवेटेड फिल्म इंडियन 2 का रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इंडियन 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कमल के इस मूवी की रिलीज के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया है, जिसके चलते एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल आसन राजेंद्रन का मानना है कि उन्होंने साल 1996 में आई इंडियन के लिए कमल हासन को मार्शल आर्ट के बर्मा कलाई कला को सिखाया था। अब जब इंडियन 2 का पोस्टर रिलीज हुआ है तो उसमें कमल हासन इसी टेक्निक को करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर पार्ट 2 में राजेंद्रन को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने अपनी आवाज अब उठा ली है। अंबानी परिवार में इस वक्त जश्न का माहौल है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे यानी कि अनंत अंबानी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट से 12 जुलाई को शादी करने वाले हैं। ऐसे में अंबानी हाउस में वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत भी हो चुकी है। अब तक मामेरू, संगीत सेरेमनी और हल्दी सेरेमनी का आयोजन हो चुका है, तो वहीं अब जल्द ही राधिका अनंत के नाम की मेहंदी भी लगवाने वाली हैं। अंबानी परिवार में इस जश्न में अब तक कई नामी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पूरा बॉलीवुड इस शादी में झूमता हुआ नजर आया। तो वहीं फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने शादी को अब सर्कस बता दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया कश्यप ने ब्रॉडकास्ट चैनल गपशप विद कश्यप पर अंबानी शादी का जिक्र किया और कहा कि इस समय अंबानी की शादी शादी नहीं बल्कि एक सर्कस बन गया है। बता दें कि आलिया कश्यप का ये स्टेटमेंट अब काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लंबे समय से देखा जा रहा है, ये बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। खास तौर पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर उनका नाम चर्चा का विषय बना ही रहता है। सुकेश से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जैकलीन फर्नांडिस प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर बनी हुई है। अब खबर आ रही है कि ईडी की तरफ से दोबारा से एक्ट्रेस को समन भेज दिया गया है, जिसके जरिए इस मामले को लेकर उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। तकरीबन 9 साल पुराने इस केस को लेकर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी विवादों में रहा और पिछले 2 से 3 साल से वो लगातार ईडी के दफ्तर और कोर्ट के चक्कर ही काट रही हैं। बुधवार को भी रिपोर्ट मिली कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जैकलीन को समन भेजा गया है, जो कि आरोपी सुकेश के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर एक्ट्रेस से ईडी फिर से पूछताछ करेगी। इससे पहले कई बार इस केस को लेकर एक्ट्रेस से सवाल जवाब किए जा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर में शादी के फंक्शंस चल रहे हैं। उनके सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी अपनी लेडी लव राधिका मर्चेंट के साथ शादी करने वाले हैं। अंबानी परिवार वैसे ही अपने ग्रैंड इवेंट के लिए जाना जाता है, ऐसे में उन्होंने अनंत और राधिका की शादी के लिए भी पानी की तरह पैसा बहाया है। सोशल मीडिया स्टार ओरी भी अनंत और राधिका की प्री वेडिंग क्रूज पार्टी में नजर आए थे। ओरी लगभग सभी बॉलीवुड पार्टीज में दिखाई देते हैं। अंबानी परिवार के फंक्शंस में भी ओरी नजर आए थे। उन्होंने यूरोप में आयोजित क्रूज पार्टी भी अटेंड की थी, जहां से उन्होंने अब एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक बड़ा पाव में मिले बाल को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ओरी ने अपने यूट्यूब पर एक ब्लॉग शेयर किया है, जिसमें मेहमानों को एक स्टॉल से कॉन्टिनेंटल खानों का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। अब सोशल मीडिया पर भी ओरी की ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। जामनगर में 3 दिन तक चलने वाला प्री वेडिंग फंक्शन हो या फिर यूरोप में क्रूज पार्टी, हाई फाई फंक्शन के साथ साथ होने वाली दुल्हन राधिका मर्चेंट का लुक भी खूब चर्चा में रहा है। उन्होंने अपने प्री वेडिंग फंक्शन में एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न आउटफिट पहने हैं। इन दिनों मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में चल रही हैं। 5 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका की संगीत सेरेमनी थी, तो वहीं 8 जुलाई को कपल की हल्दी सेरेमनी थी। इस फंक्शन की कई इनसाइड फोटोज भी अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज ने खूब हल्दी का लुत्फ उठाया। अब होने वाली दुल्हन का एक लुक भी सामने आ चुका है। इस लुक में अंबानी परिवार की छोटी दुल्हनिया ने करोड़ों की ज्वेलरी छोड़ ना केवल फूलों की ज्वेलरी पहनी, बल्कि दुपट्टा भी फूलों वाला ही पहना। जी हाँ, अनामिका खन्ना के डिजाइनर आउटफिट के साथ राधिका मर्चेंट ने असली मोगरे और गेंदे के फूल से बना हुआ दुपट्टा कैरी किया हुआ था। इस खूबसूरत दुपट्टे ने उनके नूर को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।